आज हम समझेंगे गूगल ड्राइव क्या होता है और हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। गूगल ड्राइव एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। क्लाउड का मतलब कि वो सारा कंटेंट, वो सारा एप्लीकेशन हमारे लैपटॉप पर नहीं है, गूगल के सर्वर पर है, पर हम इसे जब चाहें अपने इंटरनेट यूज़ करके अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव खोलने के लिए हम गूगल पर सर्च करेंगे गूगल ड्राइव। हमारे पास सबसे पहला लिंक गूगल ड्राइव का ही आया। हम इस पेज में देख सकते हैं गूगल ड्राइव के बारे में कुछ डिटेल्स। हम सबसे पहले लॉगिन करेंगे, साइन इन करेंगे। साइन इन करने के लिए हमने साइन इन पे क्लिक किया। क्योंकि ऑलरेडी मैं लॉगिन हूँ तो मेरा लॉगिन हो गया, आपको शायद इसके लिए लॉगिन अलग से करना पड़े। अगर आपके पास गूगल का अकाउंट नहीं है तो शायद आपको अकाउंट भी क्रिएट करना पड़े। गूगल में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो हम इस फोल्डर में बहुत सारी अपनी मनचाही फाइल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे वीडियोस, पिक्चर्स, कोई भी फाइल जो आप ऐड करना चाहते हैं। उसके लिए हमें सिर्फ न्यू पे जाके फाइल अपलोड पे क्लिक करना पड़ेगा एंड गूगल पूछता है कि आपको कौन सी फाइल अपलोड करनी है। तो अगर मेरे को नवगुरुकुल का फाइल वन अपलोड करना है तो मैं फाइल वन अपलोड करूँगा, गूगल इसे अपलोड कर देगा मेरे लिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर फाइल वन आ गई, बट इसमें कुछ ऐसी फॉर्मेट्स हैं जो गूगल को, जिस पर गूगल बहुत डायरेक्टली काम कर पाता है, जैसे गूगल डॉक्स जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे काम करता है, गूगल शीट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे काम करता है, गूगल स्लाइड्स जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जैसे काम करता है, और भी कुछ सर्विसेज हैं जिनके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। तो अगर हम गूगल डॉक्स देखें तो हम यहाँ से गूगल डॉक पर क्लिक करके एक नया गूगल डॉक बना सकते हैं, या फिर हम एग्जिस्टिंग गूगल डॉक, जैसे ये वाला गूगल डॉक्यूमेंट मैंने आपके लिए पहले से बना रखा है, तो हम इस गूगल डॉक्यूमेंट में जो लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। साथ ही साथ में हमें अगर इतने सारे ऑप्शन जैसे कि इसे इसे डाउनलोड करना है, या इसे वेब पे पब्लिश करना है, या फिर हमें कुछ चीज़ें इंसर्ट करनी है, इमेजेस, लिंक्स, ड्राइंग्स, या नई टेबल इंसर्ट करनी है, ये सारा काम इस गूगल डॉक से हो सकता है। बट द सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हम इस गूगल ड्राइव या इस डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं वो है इसे शेयर करना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यार हमें ये शेयर करनी है। उसके लिए हम इससे हमने अभिषेक की नवगुरुकुल की आईडी डाली और हमने मैसेज लिखा कि हमें शेयर क्या करना है, कि हमने कहा कि अभिषेक मैं ये डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि आप भी इसमें अपने आइडियाज़ लिख सकें, और ये करके हम सेंड कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट अभिषेक से शेयर हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें एक शेयरेबल लिंक चाहिए और इस लिंक को हम पास कर सकते हैं किसी को भी, और वो इस डॉक्यूमेंट को खोल पाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, हम कह सकते हैं एनीवन विद द लिंक कैन एडिट, या एनीवन विद द लिंक कैन कमेंट। अकॉर्डिंगली हम, हमारे पास जो लिंक आएगा उस लिंक को हम किसी दोस्त के साथ या किसी भी अपने कलीग के साथ शेयर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए। सिमिलरली गूगल ड्राइव, हम गूगल की स्प्रेडशीट यूज़ कर सकते हैं। गूगल स्प्रेडशीट भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे एक टूल है, इसमें भी सेम शेयर की फंक्शनैलिटी एग्जिस्ट करती है, बट जैसे ये काम करता है वो अलग है, क्योंकि आप यहाँ पे सेल्स के साथ खेल सकते हैं, आप इसमें फॉर्मूले डाल सकते हैं, जो सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कर सकते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट जैसे हमने कहा था, ये सारी फाइल्स हमारे कंप्यूटर पर नहीं, गूगल के सर्वर्स पर हैं, तो हमें जब भी इन फाइल्स को एक्सेस करना है हम गूगल ड्राइव खोलेंगे और इन फाइल्स को हम एक्सेस कर लेंगे, और ये फाइल जितनी बड़ी हो हमारे कंप्यूटर की स्पेस भी नहीं लेंगी, क्योंकि ये फाइल्स गूगल के सर्वर पर है। जब इन फाइल्स पर हम काम कर रहे होंगे तो जो फॉर्मूला या जो भी कैलकुलेशन है वो भी गूगल अपने सर्वर पे ज़्यादातर कर रहा होता है, कुछ कैलकुलेशन वो हमारे ब्राउज़र यानी फायरफॉक्स या क्रोम के अंदर भी कर लेता है। तो गूगल ड्राइव का जैसा हमने देखा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कैसे हम लोग आपस में मिलकर कोलैबोरेट करते हुए एक फाइल पे बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लाउड पर है, हमारे लैपटॉप पर नहीं। अगर हमें लैपटॉप पे करना होगा हम कैसे करते हैं, हम एक फाइल बनाते हैं, फिर मैं किसी को वो ईमेल करता, वो फाइल में कुछ चेंजेस करता और मुझे अपडेटेड फाइल मुझे वापस भेजता, फिर मैं उस फाइल को अपडेट करता, जिसमें कि बहुत टाइम वेस्ट होता है। अभी वो गूगल ड्राइव की वजह से हम लोग साथ में कोलैबोरेट करके, साथ में उस फाइल को एडिट करके एक साथ जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। तो आपको इसमें जो भी चीज़ें बनानी है, अपलोड करना है, आप एक बारी बना के देखो, आप नया डॉक्यूमेंट बनाओ, उसमें आप एडिट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एक नया स्प्रेडशीट बनाओ, गूगल शीट जिसे कहते हैं, उस स्प्रेडशीट में कुछ इन्फॉर्मेशन डालो और उसको फिर शेयर करो।
अभी हम और ट्यूटोरियल्स में और ढंग से बात करेंगे गूगल डॉक्स या गूगल स्प्रेडशीट कैसे यूज़ की जाती है। इस ट्यूटोरियल में आपका इस ट्यूटोरियल में इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।